जय हिंद। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी, ऑप्शन डी लवणीय मिट्टी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ दोमट मिट्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में होती है। यह जायद की फसल के लिए उपयुक्त है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू है, राजस्थान के किस भाग की मिट्टियाँ विशेष उपजाऊ हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है राजस्थान के किस भाग की मिट्टियाँ विशेष उपजाऊ हैं। ऑप्शन ए हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां, ऑप्शन बी चंबल के बिहेड़ की कटी फटी मिट्टियां, ऑप्शन सी अरावली प्रदेश की पहाड़ी मिट्टियां, ऑप्शन डी दक्षिणी मध्य राजस्थान की मिट्टियां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां। जी हां फ्रेंड्स, राजस्थान की हाड़ौती के पठार की मिट्टी मध्यम काली है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसमें मूंगफली एवं कपास की खेती होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री है, खादर शब्द से तात्पर्य है। जी हाँ, आपको बताना है खादर शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी शुष्क रेतीली मृदा, ऑप्शन सी अर्धकाली मृदा, ऑप्शन डी पुरातन जलोढ़ मृदा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरातन जलोढ़ मृदा। जी हां फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की नई परत जमा होती है, इस परत को ही खादर कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर है, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में होता है। जी हाँ, आपको बताना है किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए लाल दोमट, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल दोमट मिट्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइव है, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है। जी हाँ, आपको बताना है राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है। ऑप्शन ए लाल दोमट, ऑप्शन बी भूरी रेतीली बलुई, ऑप्शन सी भूरी दोमट, ऑप्शन डी काली दोमट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी रेतीली बलुई। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। राजस्थान में भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है
राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य कृषि विकास की गति को बढ़ाना था। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? जी हाँ फ्रेंड, आपको बताना है राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी कांप मिट्टी, ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। ऑप्शन ए बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, ऑप्शन बी राजस्थान का दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। जी हां फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या होती है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी कोटा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है? जी हाँ, आपको बताना है राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में बांटा है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। यदि उपलब्धता व कृषि उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान की मिट्टी को 9 भागों में बांटा गया है, और यदि कृषि विभाग द्वारा देखा जाए तो राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी हां फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाली मृदा है। जी हां फ्रेंड, आपको बताना है राजस्थान में आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाली मृदा है। ऑप्शन ए एल्फिसोल, ऑप्शन बी एंटीसोल, ऑप्शन सी इंसेप्टिसोल, ऑप्शन डी वर्टिसोल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्टिसोल। जी हाँ फ्रेंड, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर वर्टिसोल यानी काली मृदा पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए एल्फिसोल निक्षेपण का परिमाप है, ऑप्शन बी एल्फिसोल में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन सी एल्फिसोल मृदा की उर्वरा शक्ति उच्च स्तरीय होती है, ऑप्शन डी एल्फिसोल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है। जी हां फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्फिसोल में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जी हां फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी हाँ,
माय फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में लाल पीली मृदा के विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताना है राजस्थान में लाल पीली मृदा के विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है। ऑप्शन ए नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ऑप्शन बी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। ऑप्शन सी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन डी सिरोही, पाली, झालोर, बाड़मेर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। जी हाँ फ्रेंड, राजस्थान के बनास बेसिन में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में मृदा की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है राजस्थान में मृदा की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है, बांगर प्रदेश के संबंध में सही कथन है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताना है बांगर प्रदेश के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र, ऑप्शन बी कंकर पत्थर युक्त जल और मृदा क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राचीन कांप मृदा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन कांप मृदा क्षेत्र। जी हां फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी हां फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन का प्रकार है। जी हां फ्रेंड, आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन का प्रकार है। ऑप्शन ए जल अपरदन, ऑप्शन बी वायु अपरदन, ऑप्शन सी लवणीयता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु अपरदन। जी हां फ्रेंड, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन ए पौधे लगाकर, ऑप्शन बी जिप्सम का उपयोग करके, ऑप्शन सी रासायनिक खादों का प्रयोग, ऑप्शन डी शुष्क कृषि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम का उपयोग करके। जी हां फ्रेंड्स, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता समस्या का समाधान है जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम के प्रयोग से कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। जिप्सम मृदा में कठोर परत बनाने से रोकता है तथा मृदा में जल प्रवेश की क्षमता को बढ़ाता है। जी हां फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी हां फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित जिले हैं। जी हां, आपको बताना है राजस्थान में जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित जिले हैं। ऑप्शन ए उत्तरी जिले, ऑप्शन बी पश्चिमी जिले, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी जिले, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी जिले। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व जिले। जी हां फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी हां फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। जी हां फ्रेंड्स, आपको बताना है राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन ए लाल दोमट, ऑप्शन बी पीली भूरी बलुई, ऑप्शन सी भूरी मटियार दोमट, ऑप्शन डी भूरी दोमट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीली भूरी बलुई। जी हां फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, वालरा क्या है। जी हाँ, आपको बताना है वालरा क्या है। ऑप्शन ए मिट्टी की समस्या, ऑप्शन बी आदिवासियों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि, ऑप्शन सी मिट्टी का एक प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवासियों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि।
जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी फ्रेंड्स, धन्यवाद।